फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में शुक्रवार को संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। बता दें कि संजय सिंह की न्यायिक हिरासत अब 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर उन्हें स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने संजय सिंह को एक बार फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि अदालत से निकलते वक्त संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, ये लोग केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को भी अंजाम देने वाले हैं। रास्ता मत रोको भाई, फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। गौरतलब है कि दिल्ली के आबकारी घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 5 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने संजय सिंह की दिल्ली वाले घर में 5 अक्टूबर सुबह 7 बजे छापेमारी की, यहां से कई दस्तावेज जब्त किए थे। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। आबकारी नीति केस के चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी शामिल है। बता दें कि आप सांसद को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 27 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक संजय सिंह की हिरासत बढ़ाई थी। चलिए आपको बताते हैं कि संजय सिंह की कब कब हिरासत बढ़ी है। सबसे पहले संजय सिंह को 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड में भेजा था। इसके बाद 10 अक्टूबर को पेशी में उनकी रिमांड 3 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई थी। 13 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया था। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ही पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी ईडी और सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। इस समय सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले दिनों सिसोदिया की जमानत याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बहरहाल एक बार फिर से संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने उनकी 24 नवम्बर तक की हिरासत बढ़ा दी है। ऑनलाइन